साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जमानत पर रिहाई के लिए दरख्वास्त की समाअत, सरबरा मेडिकल बोर्ड डॉक्टर महमूद अयाज ने मुकम्मल मेडिकल रिपोर्ट अदालत पेश कर दी। नमाज जुमा का वक्त होने पर केस की समाअत 3 बजे तक मुलतवी। वक्फे से कबल समाअत पर प्रिंसिपल सिम्स ने मौकफ पेश किया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म का इलाज लाहौर में मुमकिन है। नैब ने अपने जवाब में कहा, मेडिकल रिपोर्ट को मद्देनजर रखकर दरख्वास्त का जायजा लिया जा सकता है। समाअत पर शहबाज शरीफ भी अदालत पहुंचे। सर्विसेज अस्पताल में मियां नवाज शरीफ के इलाज को चौथा रोज अंदरूनी ब्लीडिंग की वजह से साबिक वजीर आजम के जिस्म पर खून के धब्बे बन गए। मेडिकल बोर्ड का अंदरूनी ब्लीडिंग रोकने के लिए मजीद 5 रोज तक इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन लगाने का फैसला। मेडिकल बोर्ड इंजेक्शन की मदद से प्लेटलेट्स की तादाद में इस्तेहकाम के लिए भी पुरउम्मीद है। मरीम नवाज को कानून के मुताबिक वालिद से मुलाकात की इजाजत दी जाएगी। गवर्नर चौधरी सरवर और वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार में टेलीफोनिक राबता। नवाज शरीफ के इलाज के लिए तिबी सहूलतों की फराहमी पर तमाम वसाइल बुरेकार लाने का फैसला किया गया। वजीर आजम चाहते हैं कि मरीम नवाज अपने वालिद की जिम्मेदारी करें। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद की मीडिया टॉक बोली, रात नवाज शरीफ की तबीयत थोड़ी खराब हुई लेकिन अब अल्लाह ताला की मेहरबानी से हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद बोले, किसी बीमारी पर सियासत नहीं करनी चाहिए। इमरान खान ने कह दिया है कि हाई कोर्ट का जो फैसला होगा कबूल होगा। और मियां नवाज शरीफ की आयादत के लिए फारूक सत्तार की सर्विसेज अस्पताल आमद। सीनियर सियासी रहनुमा का साबिक वजीर आजम की जल्द सेहतियाबी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। कहा, पहले सब बीमारी को झूठ करार देते रहे, अब कह रहे हैं कि जहां से इलाज कराना चाहते हैं करा लें।